अपनी ही बात में विरोधाभास ले आते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा, चार्जशीट फर्जी है। मैंने तो अभी इनको मुफ्त में विधिक सलाह दी, चार्जशीट अगर फर्जी है, एफआईआर फर्जी है, न्यायालय जाके रद्द करा दो, खत्म कर दो। 5.5 महीने अंजना जी बेल ना मिले, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो आरोप है ये बहुत संगीन है, और ये व्यक्ति प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, दोहरे मापदंड देखिए। आम आदमी पार्टी तो कहती थी भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, और अंजना जी याद करिए कैसे कहते थे कि अगर किसी नेता पे आरोप लगे तो उसे राजनीति से हट जाना चाहिए जब तक कि जो है वो दोष मुक्त ना हो जाए। आप मुझे बताइए, पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री सिंगला, उनके खिलाफ जब आरोप आए भ्रष्टाचार के, उनको हटा दिया। यहां दिल्ली हाईकोर्ट सत्येंद्र जैन के लिए कह रही है, उनका भी एक फैसला है, लाया नहीं हूं लेकिन बता दूं, उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि ऐसा व्यक्ति जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये बना रहे या नहीं। उन्होंने इनको एक सलाह दी जो इन्होंने नहीं मानी। तीसरी बात, इन्होंने सुकेत चंद्रशेखर पे कोई बात तो कही नहीं। ये इनकमिंग का रिश्ता नहीं था सुकेत चंद्रशेखर से, ये आउटगोइंग का भी रिश्ता था। सुकेत चंद्रशेखर से राज्यसभा के लिए इन्होंने रुपया लिया 50 करोड़, 10 करोड़ रुपया फार्म हाउस पे लिया सत्येंद्र जैन ने। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा रिश्ता क्या है, रिश्ता मैं बताता हूं। जैसे दो जिस्म एक जान होते हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल और सुकेत चंद्रशेखर हैं, ये दिल का रिश्ता है। और हमारे साथ जैसे चूहा बिल में घुस जाता है, वैसे भ्रष्टाचारी बिल में घुस गया, तो इनके साथ दिल का रिश्ता है, और डर के जो बिल में घुसता है वो रिश्ता है हमारी सरकार से। जो डरता है भ्रष्टाचारी, थरथर कांपते हैं, वो भाजपा है। तीसरी बात और कर दूं, इन्होंने कहा हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे। गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, बस एक सेकंड प्लीज। बंगाल में चुनाव हो तो ममता बनर्जी और उनके लोगों पर केसेस, अगर मेरिट भी है लेकिन उसी समय होता है चुनाव के वक्त। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है, उसी वक्त यहां पर टारगेट किया जा रहा है, तो वो आरोप करते हैं, जोड़ते हैं, अगर आपके केसेस में मेरिट भी है तो ये सवाल उठता है ना कि चूंकि इलेक्शन है इसलिए इस वक्त आप कापट बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं उस पार्टी को, इस पर क्या जवाब होगा? मैं आपको जो भी बात कहूंगा बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, आप पढ़िए अंजना जी, ये एफआईआर कब की है? 24/8/2017। कौन सा चुनाव था? 24/8/2017। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछ लेना, कहने के लिए कह देना हमें टारगेट जी वाला वीडियो तो आज ढूंढ के निकाले ना आप लोग। एक मिनट, मैं आपकी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा चुनाव है तो ये कार्रवाई हो रही है, यही आपने मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने आपको कोर्ट के आदेश से दिखाया 2017 की ये एफआईआर है और जांच चल रही है। दूसरी बात, जो बात आपको भी पूछनी चाहिए और पुरजोर तरीके से पूछनी चाहिए, आप बताइए, आपने कहा ममता बनर्जी, अरे वहां पे पार्था चैटर्जी को बेल मिल गई क्या? नवाब मलिक को महाराष्ट्र में बेल मिल गई क्या? आप मुझे बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो देश तो इसका स्वागत करता है। ये भ्रष्टाचारी न्यायालय जाके और रद्द करा दे सारा, अगर गलत है नहीं कराएंगे। लेकिन एक बात मैं कह के अंत करूंगा, इन्होंने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अरे बच्चों को, बच्चे पढ़ने गए अरविंद केजरीवाल से, कहा अरविंद अंकल कहां पढ़ना है? उन्होंने टॉयलेट की सीट दिखाई अंजना जी, कहे ये है टॉयलेट की सीट, ये क्लासरूम है, यहीं बैठ के पढ़ो। ये इनका शिक्षा मॉडल है। वादा किया था 500 स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नहीं बनाए, 25 बंद करा दिए। और आप मुझे बताइए, जब कहते हैं कि विरोधी कंस की औलाद है, इनको मैं मारने आया हूं, खुद को भगवान कृष्ण समझते हैं, ये शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। गोपाल इटालिया कहते हैं मंदिर महिलाओं के शोषण का अड्डा है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और इनके अलावा इनके राजेंद्र गौतम स्टार प्रचारक बना के उनको गुजरात भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान है, उनका अपमान करते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? अरे शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला, आबकारी घोटाला, डीटीसी लो फ्लोर बसेस का घोटाला और क्लासरूम घोटाला, ये सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। ये क्राइम मास्टर गोगो हैं, जनता का रुपया लूटते हैं और ये सामने 2017 का मामला, जब मामला रजिस्टर हुआ, अब आप लोग उसको गुजरात चुनाव से जोड़ेंगे, आपको भी सूट करता है क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना संजीव जी बड़ा आसान हो जाता है कि देखिए ना हम गुजरात में चुनौती दे रहे हैं, आपको भी अंदर खाने पता है कि वहां पर बहुत बड़ी टक्कर है, मोदी और शाह की लोकप्रियता है, बहुत मुकाबला मुश्किल है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया आपको। अंजना जी अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि 17 का एफआईआर, एक बात समझिए, 17 का एफआईआर 2019 में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है
और 2022 में सत्येंद्र जैन को उठाया जाता है, कब? जब वो हिमाचल की प्रभारी बनते हैं और हिमाचल में इनकी नींद खराब होती है तो सत्येंद्र जैन को उठा करके ये बंद कर देते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर की बात, एक बात बताइए कि सुकेश चंद्रशेखर क्या उसकी पूरी लाइनिंग पड़ी, क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा ले। बीजेपी के सारे प्रवक्ता को सुनिए क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट करा लो। यानी जो बीजेपी की भाषा है वो सुकेश चंद्रशेखर की भाषा है, और सुकेश चंद्रशेखर में ये एडमिटेड फैक्ट है, ये कहा गया कि ये होम मिनिस्टर के ऑफिस से बात हो रही थी। तो हम ये कहते हैं कि वो जो 200 करोड़ की ठगी की गई थी वो उसके कितने राशि पहुंचे होम मिनिस्टर के पास, जरा इसकी भी जांच हो जाए। अब ये सत्य इसलिए लग रहा है कि जो जो बीजेपी चाह रही थी वो सुकेश चंद्रशेखर कर रहे हैं, और यहां तक मार्केट में अब्बा है कि ये कहा गया है कि हो सकता है अगली बार कर्नाटक का सीएम का चेहरा कहीं इनको ठग सुकेश चंद्रशेखर ना हो, इसलिए कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी प्रचार की कमान संभाली हुई है। वो एमसीडी में प्रचार कर रही है, वो गुजरात में प्रचार कर रही है। तो जनता देखिए, जनता की अदालत में जनता बहुत समझदार है, वो प्रूव होना है वो बाद की बात है।